राम के चरणों में आकर के यहाँ से जाना मुश्किल नामुमकिन है, नामुमकिन। मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना आपको, तो मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने की पीछे में मंदिर है, और मैं पहुंच चुका हूं ये गोरखपुर मंदिर के अंदर में। लेकिन यहां पर यार ना बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा कड़ाई है, और सभी ने ए टू जेड सभी ने मास्क लगा रखे हैं। प्लस में पूरी व्यवस्था एकदम हर एक चीज़ की ए टू जेड कम्प्लीट सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है। बैग चेकिंग से लेकर के सिक्योरिटी चेकिंग ए टू जेड कम्प्लीट। और यहाँ का जो व्यू है अमेजिंग व्यू है यहाँ का। मतलब सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर पहुँचा, जो भी थकान थी यहाँ पहुँचने के बाद सब खत्म हो चुकी है। तो मैं आपको अपना रियर कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ का पूरा व्यू, और फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि यार ये व्यू अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। साथ मंदिर के अंदर हम चल रहे हैं, और मंदिर के अंदर का आपको सीन दिखाता हूं। इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल कि आप देख के मतलब खुश हो जाओगे।
तो ऐसा है ना गाइज, अभी मतलब मैं आपको मंदिर के अंदर का पूरा सीन नहीं दिखा सका। इसके पीछे का रीजन ये है कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, वहाँ पे ऑर्डर नहीं है अभी शूट करने का। मैं वहाँ पे गया उनसे परमिशन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बाहर से शूट करना है तो आप शूट कर सकते हो, बट आप अंदर जा कर के शूट नहीं कर सकते हो। डेट्स वाई मैंने आपको बाहर से ही सारा कुछ दिखा दिया, अंदर जा कर के अभी शूट करना अलाउड नहीं है। अब इसके पीछे का रीज़न मुझे मालूम नहीं है, मे बी हो सकता है कोविड की वजह से, या फिर हो सकता है कुछ सिक्योरिटी रीजन हो सकती है इसकी वजह से, और उसको तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारे लोग वहाँ पे अंदर जाकर चुपके से यूज़ कर भी रहे थे, बट क्या है, अपने पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो ऑर्डर्स मिले उसको फॉलो करना है, तो इसकी वजह से मैंने शूट नहीं करा। बट जो भी बाहर की चीज़ें हैं, बाहर जो भी चीज़ें दिखने के हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर्स हैं शूट करने की, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले अपन शूज़ तो पहन ले, शूज़ पहनते हैं और फिर अपन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ की जितनी भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी दिखाने लायक, मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी है छोटी छोटी क्लिप करके, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोल के इसलिए नहीं दिखाया, वहाँ पे शांति का जगह है तो वहाँ पे मैं बोल के शूट करता तो बगल वाले जो थे वो डिस्टर्ब हो जाते, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे बोल के शूट नहीं किया। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जितनी भी थी, जैसे पोखर मैंने आपको दिखाया, वो इतना अमेजिंग व्यू मंदिर का, इतना अमेजिंग, इतना सुंदर, मतलब दिल शांत कर देने वाला एंड हैप्पीनेस से भरा हुआ वाला माहौल है पूरा मंदिर का, जैसा कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा। इतनी अमेजिंग जगह है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले आया ही नहीं तो एक्सपेक्ट कहाँ से करूँगा। बट यहाँ आने के बाद इतनी शांति और इतनी सुकून मिली, इतनी खुशी मिली कि मैं कह नहीं सकता। मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर विजिट करूँगा जब मेरे पास फ्री टाइम होगा। आज तो एग्जामिनेशन की वजह से सुबह में मौका मिल गया तो आ गया, बट मैं यहाँ पे दोबारा ज़रूर विजिट करूँगा। और मतलब यहाँ से मैं रियली अपने हर्ट से बोलूँ तो मुझे निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी अमेजिंग जगह, इतनी अमेजिंग व्यू है। आई थिंक शायद तब तक कोरोना वगैरह थोड़ा सा ख़त्म हो चुका हो और थोड़ा अंदर जा कर के शूट करने का मौका मिले, बट अभी तो उतना ज़्यादा अलाउंस नहीं है कि मैं अंदर जा कर के उतना ज़्यादा शूट कर सकूं। बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा, और मे भी पॉसिबली, आशा करते हैं कि ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका हो और थोड़ा अच्छा से शूट करने का मुझे मौका मिले, बट नाउ अभी तो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है मौका शूट करने का। आई होप आपको मंदिर बहुत बेहतरीन लगा हो जैसे कि मुझे लगा, और जितना शांति, जितनी खुशी मुझे मिली यहाँ आकर के, आई होप कि आपको भी मिली हो। तो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मतलब मैं सच्ची बताऊँ ना आपको, तो मुझे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। आपको मैं यहाँ से एक और ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से आप सनराइज देखो, वो ऊपर में, मतलब क्या ब्यूटीफुल व्यू है भाई, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ से तो मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा, और ये प्लेस, ये मंदिर छोड़ के तो मुझे बिल्कुल भी जाने का नहीं मन कर रहा। इतना खूबसूरत नज़ारा है, I can't tell you, मतलब मैं वर्ल्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता यहाँ आने के बाद मुझे कितनी खुशी मिल रही है। और मैं कितना ज़्यादा, मैं मतलब पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी फ्री से आऊँगा ना, मैं पूरा मंदिर विजिट करूँगा और 5 से 6 घंटे इधर बिताऊँगा। मतलब यार सही में भाई, मेरे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो सही कहते हैं यार, राम के चरणों में आकर के यहाँ से जाना मुश्किल, नामुमकिन। मतलब ऐसा मोह है राम के चरणों में कि यहाँ से आप निकल ही नहीं सकते हो। और ऊपर से ये नज़ारा, माय गॉड। ये मंदिर से बाहर आ गए हैं और आपको मैं रियर कैमरा ऑन करके एक बार मंदिर का बाहर से व्यू दिखाता हूँ। हर जगह जो भगवा लहरा रहा है, क्या अमेजिंग, क्या खूबसूरत लग रहा है कि मंदिर पे जब हर जगह भगवे लहरा रहे हो और इतना खूबसूरत मंदिर बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है। सो
फाइनली पहुंच चुका मैं अभी बेगूसराय, यानी कि मैंने गोरखपुर से ट्रेन लिया और मैं डायरेक्ट बेगूसराय के लिए आ गया, क्योंकि मुजफ्फरपुर के लिए भी थी ट्रेन, वहाँ पे मैं उतर सेम रूट पड़ता है हम लोग का, लेकिन मुजफ्फरपुर उतरता और फिर वहाँ से मुझे ट्रेन लेकर के सुबह में आना ही पड़ता और मुझे मॉर्निंग 4 बजे उठना पड़ जाता, थोड़ा ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाता, इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट रूम पर चला जाता हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा मेरे को ट्रेन में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं उतर जाऊँगा और अभी रात काफ़ी हो चुका है, तो फिर जाता वहाँ से, फिर वहाँ से मैं मॉर्निंग में आता तो बहुत ज़्यादा हैरेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रेन लिया और डायरेक्ट बेगूसराय आ गया हूँ। और आने के बाद अभी जा रहा हूँ, खुद से थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाऊँगा, चाय पी के मीठा मीठा गाना सुनते हुए सो जाऊँगा, लेकिन इतना थक चुका हूँ, इसलिए मैंने ट्रेन में सूट नहीं किया, इतना नींद आ रहा था मैं सो गया ट्रेन में। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, टेक केयर।